नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब। मैं महेशपाल आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटी की तरफ से कंडक्ट हुआ नीट का एग्जाम पूरी तरीके से स्कैम था। देखिए, सारी चीजों को शुरू से एक बार समझिए कि एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके बाद में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुई थी एनटी की तरफ से, वो 14 जून थी। एक तो रिजल्ट को ही 10 दिन पहले निकाल देना, अपनी एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही रिजल्ट पहली बार निकला था, और उसके बाद में भी जब ये चीज निकल करके आई थी, क्योंकि एग्जाम जिस टाइम पर हुआ था उसी टाइम पर ये वाली खबर पक्की थी कि किसी एक सेंटर पर किसी न किसी तरीके का कुछ ग्लिच हुआ है या लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, समथिंग लाइक दैट। और उसमें एनटीए ने उसी दिन ऑन द सेम डे शाम को 5 बजे ट्वीट ये कर दिया कि ना जी, एग्जाम पूरे तरीके से हेल्दी तरीके से हुआ है, कहीं पर भी कोई भी कैसा भी ग्लिच नहीं है, जहाँ पर प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दी। अब जरा पॉइंट्स को समझिए कि एक तो रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जाना, उसके बाद में भी जब बच्चों के एक ही एग्जाम के अंदर में, मतलब आप ये मानिए कि 67 ऑफ स्टूडेंट्स गॉट आउट ऑफ आउट मार्क्स, 720 में से 720 इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये इस बार इतिहास रचा गया। अब या तो वो बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, या फिर कॉपी चेकर या पेपर मेकर, जैसा भी रहा वो कॉन्सिक्वेंसेस, वहां से ये वाला पॉइंट निकल करके आया कि ना जी, किसी न किसी तरीके का कुछ ना कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है जो कि बच्चों के भविष्य के साथ में की जा रही है। लेटर ऑन ये वाली चीज भी निकल करके आई कि हाँ, ये था, या इस तरीके के एविडेंसेस मिले, है ना, कि बच्चों के एक बच्चे के 702 नंबर थे नीट के एग्जाम में, और उस बच्चे के जब स्कूलिंग के रिजल्ट देखा गया, मार्क्स देखे गए, तो वो बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री तक में पास नहीं हो पा रहा था। भाई, महीने 2 महीनों में ऐसा क्या उसने घोल करके पिया, ऐसा क्या उसने जादू किया, ये इस चीज से मैं बिल्कुल, मतलब मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो ऐसा एक बच्चा नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और जब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दिया, तब तो ये पता चला कि हाँ, उन बच्चों के साथ में जस्टिस किया जाएगा जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स अलॉट किए गए थे, और वो जस्टिस भी कुछ इस तरीके का कि जो कि किसी को भी कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओनली 1563 1563 स्टूडेंट्स विल गिव द एग्जामिनेशन ऑफ नीट अगेन। मतलब जिन वो एनटीए ने ये कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन बच्चों का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये वाला एनटीए के लिए, कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाए। ये रही थी एक बात। आज तक के डेट में सुप्रीम कोर्ट का ये पूरे पूरे तरीके से ऑर्डर चल रहा है, ये इम्प्लीमेंट चीजें कराई जा रही है कि री नीट सभी के लिए नहीं होगा, राइट। द सेम कंडक्टिंग बॉडी एनटीए कंडक्ट अनदर एग्जाम फॉर द यूजीसी नेट, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 18 जून को। 18 जून को यूजीसी नेट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वो 19 जून को आकर के फिर से उसमें ये वाली चीज निकल करके आई कि ना जी, ये वाला एग्जाम भी लीक हो चुका है, इसमें भी किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई है, और ये वाला मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। मतलब 18 जून से 19 जून को ये वाली बात आ गई। आज है तारीख 20 जून, 25 जून से सीएसआईआर नेट के एग्जाम होने वाले हैं, और वही कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए। एनटीए ही इस एग्जाम को भी कंडक्ट कराएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के क्या अब जो एग्जाम होने वाला है सीएसआईआर नेट का, उसको ये लोग पूरे तरीके से, फ्रूटफुल तरीके से, पूरे हेल्दी तरीके से, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कंडक्ट करा पाएंगे या नहीं? बिकॉज ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा एग्जाम या कुछ चुनिंदा सीटों की नहीं होती है, ये रहती है उन सभी कैंडिडेट्स की जो इन सभी एग्जाम्स में अपियर होते हैं। इसी चीज को आगे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए बताता हूँ कि अभी में जो रिसेंटली एक न्यूज वायरल हो रही है, वो ये है कि एक पर्सन है अमित आनंद करके, बिहार के, उन्होंने इस चीज को कमिट किया है कि ना जी, उन्होंने नीट के पेपर को लीक कराया था फॉर द कॉस्ट ऑफ 32 लाख रुपीज। 32 लाख रुपए के चक्कर में उन्होंने इस एग्जाम को लीक करा दिया, और साथ के साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो कि बिहार वाले उन इरेगुलर पर्सन से मिले हुए थे। अब दिमाग में क्वेश्चन जो मेरे अराइज हो रहा है वो ये है कि इतने बड़े एग्जाम का स्कैम करने के लिए कोई इंडिविजुअल अकेला या एक दो के साथ में तो वो नहीं करा सकता बिना किसी गॉडफादर की हेल्प के। जब तक उसके पीछे किसी एक बड़ी पावर का हाथ नहीं होगा, वो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची नहीं सकता है। क्योंकि ये बात सिर्फ ये नहीं है ना कि आपने एक दो बच्चों के लिए, आपने किसी यूनिवर्सिटी का, आपने किसी कॉलेज का पेपर लीक कराया है, भाई आप नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और आप उसको लीक कराओगे, है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ एक इंडिविजुअल तो हो नहीं सकता, ये बात तो पूरे तरीके से तय है। अब जब ये वाली चीज निकल करके आ गई है कि ये एग्जाम पूरे तरीके से लीक हुआ है, इस एग्जाम को एक पर्सन, आप ये इसको दूसरे तरीके से ही समझ सकते हैं कि हो सकता है वो पर्सन डिफेंड कर रहा हो,
किसी बड़ी अथॉरिटी को कि उस तक बात ना पहुंचे, सारी चीजें मैं अपने ऊपर ले लूं। बिकॉज देखिए जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि हाँ जी चीजें कैसी कैसी जा सकती हैं, है ना, वर्सन से वर्स्ट भी हो सकती है, बुरी से बदतर भी हो सकती है, ये वाला सिनेरियो आज के डेट में चल रहा है। अब बात करते हैं, ये देखिए नीट का स्कैम पूरे तरीके से सामने है कि नीट का स्कैम हुआ, यूजीसी नेट का स्कैम हुआ, ये पूरी तरीके से सामने है कि यूजीसी नेट का हुआ। नाउ अब बात आती है सीएसआईआर नेट की, क्योंकि सीएसआईआर नेट का एग्जाम ऐसा नहीं है कि ये एक दो बच्चे देते हैं भाई, नीट का क्योंकि ग्रेजुएट 12th के बाद में देंगे तो उनकी तादाद ज्यादा होती है। नेट के एग्जाम जो होते हैं, नेट के एग्जाम आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में देते हैं पीएचडी के लिए, राइट, तो उनकी तादाद कम हो जाती है क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। यूजीसी नेट 84 सब्जेक्ट 84 सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है, उनमें से आप किसी को अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो उसमें 8 से 9 लाख बच्चे बैठते हैं। इसी तरीके का डाटा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें अभी जून 2024 का तो नहीं, लेकिन ये जो जून 2023 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था और जो पेपर में अपियर हुए थे, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वर 274,027, लगभग 2.5 लाख बच्चे। दिसंबर 2023 में जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे वो थे 219,146 बच्चे। सिमिलरली 2.5 लाख के करीबन, 2.5 से 3 लाख की रेंज में बच्चे अभी इस जून 2024 के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बात निकल करके ये आती है कि अभी प्रेजेंट में जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिकॉज अगर कहीं पर भी 1% या 1% तो बहुत बड़ी बात हो गई, 0.001% भी अगर किसी तरीके का ग्लिच होता है तो डेफिनेटली वो सभी को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के लिए, ये बच्चे की हार्डवर्क है, बच्चे का पेशेंस है, बच्चे का टारगेट है, गोल है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि या तो इस चीज का पूरे तरीके से आश्वासन मिले बच्चों को, जो कैंडिडेट्स हैं जो अपियर होने वाले हैं, जो कि डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं, उनको पूरे तरीके से ये वाली श्योरिटी मिले कि ना जी इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसी भी तरीके का कोई ग्लिच नहीं आएगा, जिस तरीके से एग्जाम होता है एक हेल्दी एनवायरमेंट बना करके बिना किसी ग्लिच के साथ में, या तो वो वाली चीज बच्चों को मिले, तब बच्चों को आश्वासन हो, बच्चों को एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट की उम्मीद रहे, और अगर नहीं तो भाई पूरे तरीके से बच्चों का एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। और एक बार जब बच्चे का किसी भी देश में अगर शिक्षा से, शिक्षा नीतियों से भरोसा उठ गया, तो देश का विकास तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि शिक्षा ही होती है जो कि आपको बेस मजबूत करती है और जो कि पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी पूरी सोसाइटी के लिए। जब बच्चा एजुकेटेड ठीक से नहीं हो पाएगा, एजुकेशन ही ठीक से नहीं होगी, तो क्या ही होगा, राइट? ये सारी की सारी चीजें मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, होपफुली आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से मिली होगी जिस तरीके से मैंने बताया है। इस वीडियो को हो सके तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वन से साथ में, क्योंकि ये उन लोगों के करियर के सवाल है, ये उन लोगों का, आप ये मान करके चलिए कि एक पूरी पूरी फैमिली बनी होती है, एक अकेला बच्चा नहीं होता है, एक के पीछे सब है। और कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में कुछ बच्चा अगर अच्छा करता है तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट होता है, वो इसमें क्या ही एग्जाम्पल सेट होगा जब कंडीशन उस तरीके से नहीं, कॉन्स्पिरेसी रहती है, जब आपस में ही ये लोग लड़ते रहते हैं, या मतलब लालच इतना ज्यादा हो गया कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से करप्ट कर दिया गया है। एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट है तो क्या ही हो सकता है।